हेलो एंड वेलकम टू फॉर्च्यून घर का खाना रेसिपीज। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक वड़ा पाव क्रोकेट। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। अब डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, फिर मैं डालूंगा थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा अदरक। अब इसमें डालेंगे थोड़े से स्लाइस किए हुए प्याज, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पानी। इस समय मैं डालूंगा उबले हुए आलू और इसे मैं थोड़ा साथ में मैश कर दूंगा। चलिए ये तैयार हो गया, बनाते हैं क्रोकेट्स। अब मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। डीप फ्राई होगा ये पाव, लेकिन मैं मल्टीग्रेन पाव यूज कर रहा हूँ और मैंने तेल भी बड़ा हेल्दी यूज किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे प्रेशर से दबा देंगे ताकि ये थोड़ा फ्लैट हो जाए, वड़े का मिक्सचर बीच में। इसके ऊपर डलेगी ये महाराष्ट्रियन टिपिकल गार्लिक चटनी। ब्रेड और आलू के मिक्सचर को इस तरह से दबा देंगे। वड़ा पाव के ये रोल्स तैयार हैं। मेरे पास है मैदे का बैटर जिसमें सिर्फ मैदा और पानी और कुछ नहीं, और साथ ही में है थोड़ा सा ब्रेड क्रम। क्रोकेट्स को सिंगल कोट हो गया, अब इसे मैदे के बैटर में लेके जाएंगे और वापस से ब्रेड क्रम लगाएंगे। डबल कोट करने के बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे। फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बनता है HART प्रोसेस से, विच इज हाई एब्जॉर्बेंट रिफाइंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट मेक्स योर ऑयल रियली हेल्दी। गोल्डन ब्राउन कलर, दैट्स व्हाट इट शुड बी। अब ये क्रोकेट्स को मैं सिर्फ डायगोनली काटूंगा प्लेटिंग के लिए। वड़ा पाव नए फॉर्म में, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ करी पत्ता गार्निश के लिए। वड़ा पाव के साथ सबसे बेस्ट अकॉम्पनीमेंट है फ्राई की हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी ये सूखी लाल चटनी। ये है आज की फॉर्च्यून घर का खाना रेसिपी। वाओ, लुक्स लाइक अ रेस्टोरेंट डिश। वेल, स्ट्रीट फूड का अब रीइंकार्नेशन हो गया आपके घर में इस तरह से। बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। फॉर मोर सच घर का खाना रेसिपीज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन फॉर्च्यून फूड्स, एंड कीप शेयरिंग सम लव।